बढ़ते भ्रष्टाचार मामले में बुधवार को फिर से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिससे पहले कोर्ट ने पार्थ अर्पिता को 10 दिन की ईडी हिरासत में रखने के आदेश दिए थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई तथ्य मिला। ऐसे में ईडी के जांचकर्ता को लगता है कि दोनों लोगों को दोबारा पूछताछ की जरूरत है, इसलिए ईडी ने पार्थ अर्पिता को वापस हिरासत में लेने के बारे में सोचा है। इससे पहले 22 जुलाई को पिछले शुक्रवार की सुबह से रात देर तक ईडी ने 19 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। करीब 27 घंटे की पूछताछ और तलाशी के बाद उसी घर से बाहर निकाला गया। वे पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर में घंटों घंटों तक पैसा गिना जाता है, पैसे गहने गिनने में एक दिन लग जाता है। ईडी ने पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया था, फिर उसे कोर्ट ले जाया जाएगा। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन लोगों को 3 अगस्त तक के ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था। ईडी के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि स्कूल भर्ती मामले में 120 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, एक और 100 करोड़ की वसूली की जाती है। उन्होंने आगे दावा किया है कि पार्थ चटर्जी प्राथमिक और एसएससी मामले में भ्रष्टाचार मामले में सक्रिय रूप से शामिल था, इसीलिए उन लोगों को फिर से एक बार ईडी की हिरासत में ले जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।